कोरोना की संभावित तीजी लहर का खतरा बच्चों लिए दसा जा रहा है। इसनों देखते हुए गुरु नानक देव अस्पताल स्थित पीडियाट्रिक वार्ड के दीवारों से कार्टून तस्वीर लगाई गई ने ताकि जेकर कोरोना की तीजी लहर बच्चों प्रभावित करती है तो बच्चों का कोरोना वार्ड के मन लग सके और बच्चे बेखौफ होकर कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकन। होर की तैयारियां हस्पताल के वालों की जा रही ने आओ देखते हैं। केस जो थर्ड वेव के बच्चे ज़्यादा इनवॉल्व होंगे है वह वैसे साइंटिफिक बेसिस तो कोई नहीं पर स्टिल जो बच्चे ज़्यादा इनवॉल्व होंगे तो वो वास्ते साड़ी पूरी तैयारी है। असी 20 बेड जोड़े ने ICU बेड तैयार किए हुए हैं तो देख रहे हो उन्होंने उत्ते अपना वेंटीलेटर भी है और 40 बेड जोड़े असी ऑक्सीजन वाले भी तैयार किए हुए 60 बेड जोड़े बच्चों वास्ते असी तैयारी की हुई जी। कार्टून बस बच्चों को थोड़ा जा अटेंशन डाइवर्ट करने वास्ते लगाए ने ये नहीं कि कोविड का इलाज ज़्यादा बेहतर होएगा वो नहीं है मतलब कोविड नू नहीं अफेक्ट करना लेकिन ये है कि बच्चे जरूर उन्होंने माइंड मतलब मूड एलिवेट हो जाएगा बच्चे खुश रहेंगे खाना खुना आराम ना खा लेंगे पेरेंट्स के नाल उन्होंने कोशिश की है कि घर वर्गा माहौल दिता जाए। सर हुण तक किन्ने बच्चे आ चुके हैं कि उम्र के लैके हुण तक साढ़े को अप्रैल मई जून के तकरीबन 30 बच्चे कोविड पॉजिटिव आ चुके ने उन्होंने तकरीबन 4 उन्हों की डैथ हुई जोड़े बहुत ज़्यादा होर बीमारियों ग्रस्त से होर सीरीयस बाकी बीमारियों तो बाकी जो कही भी कोविड करके सिंपली कोविड करके डैथ हुई वो नहीं है बाकी पहला भी बच्चे जो बहुत सीरीयस आते थे उन्होंने डैथ होंगी सी हूँ भी वही बच्चे जो बेचारे की डैथ हुई है जो दूजिया बीमारियों तो पीड़ित से। तैयारियां की रखी गई ने इस बीमारी तो निपटने क्योंकि तीसरी वेव शुरू होने वाली है। देखो इस तरह जी एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई है स्टेट लैवल के उत्ते जी जी तो उन्होंने खदशा जाहिर किया कि थर्ड वेव जी है अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर आने का खतरा है वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी वैक्सीनेशन वगैरह बच्चों की घट हुई हुई है कुछ होर भी इशूज है अकॉर्डिंगली फिर असी पेडियाट्रिक्स पापूलेशन के लिए जी वो फिर स्पैशल वक्रिया थोड़ी तैयारियां की उन्होंने लिए 2 स्पैशल वक्रिया कोविड वार्ड्स बनाई गई जिन्हें 60 बैड्स लगाए गए उन्होंने बैड्स के उत्ते जो L3 तो L2 टाइप दिन जो फैसिलिटीज़ चाहिए होंगे ने वो प्रोवाइड करवाई गई हैं रिलेटेड जो दवाइया चाहिए ने जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो असी जो अरेंज किया। सर बच्चे जो कार्टून बनाए गए हैं लगता है कि उनका ध्यान बच्चे का इधर जाएगा दूसरे पास जाएगा तो उन्हें थोड़ा ना फर्क पड़ेगा बच्चे को क्योंकि कोई बीमारी हो दिक्कत का सामना करना देखो जो साड़ी मेंटल हेल्थ ठीक होएगी मानसिकता ठीक होएगी तो वह इफेक्ट जोड़ा शरीर के उत्ते पैदा ही पैदा सो कोविड देखा गया कि स्ट्रैस लैवल्स बड़े बढ़ जाते सो उस चीज़ में थोड़ा घटाने के लिए एक कोशिश की गई है कि कुछ कार्टून वगैरह खेले जा दीवारों के उत्ते बच्चे देखन तो थोड़ा उन्हों का दिल बहलिया रहे थोड़ा मन खुश होए तो जो जो उन्हों का मैंटल स्टेटस अच्छा होएगा तो वो डेफिनेटली उन्होंने जी रिकवरी के हेल्प मिलेगी। सर एक सवाल है कि कोई बड़े में पहला होंगे कोई भी हम उम्र के कोविड होंगे तो पता लग जाता से लेकिन मैंने दिक्कत हो रही है बच्चे ए इस गल का दसन का भी नहीं पता लगना कि मैं दसा किस तरह की मैं प्रॉब्लम हो रही है किस तरीके परिवारिक मैंबर जो हैंडल कर। देखो जी फैमिली दे विच कोविड हैगा तो बच्चे जिहड़ा खून दा जिहड़ा चांसिस है वो आपे वध जांदे आ उस तो अलावा फीवर जो बाकी अडल्ट्स दे विच जिहड़े उहदे साइन एंड सिम्पटम्स ने सिमिलर साइन एंड सिम्पटम्स जिहड़े आ वो बच्चों दे विच जिहड़े आ वो हुंदे आ बच्चों की टेस्टिंग वगैरह का भी वख्खरा अरेंजमेंट हैगा उहदे तों भी पता चल जांदा। आवाज़ कम टीवी लई अमृतसर तों पत्रकार ललित शर्मा की रिपोर्ट।